और थोड़ा चटपटा खाना खाने का मन हो रहा था पायल काज, तो हमने दोस्तों यहाँ पे तैयारी हो रही है, मम्मी और सुनील निकल रहे घर। तोड़ 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 डाल उसको। मम्मा कैसा लग रहा है? मम्मी देखो भाई कितनी खुश हो गई घर जाने। पायल पायल को देखो कितनी खुशी हो रही है। दो दो लोग खुश है। एक मम्मी खुश है, एक पायल खुश है, है ना पायल? उनकी खुशी से ज्यादा उनकी खुशी। हाँ, वो सासुआ चली जाएगी, मजे मजे होंगे। मम्मी कैसा, इतना खुश क्यों हो? जेल से छूट रहे हो ऐसा लग रहा है। हाँ। नहीं। अब कब आओगे फिर? मम्मी बोल रही है जब बुलाएंगे तब आऊंगी। अभी मतलब तुम्हें बुलाना पड़ेगा हमें। फिर गर्मा गर्म चाय जो सुनील पी रहा है अकेला, और अब ये सीधा यहाँ से शिरडी निकलेंगे और फिर शिरडी से हमारे घर जाएंगे, क्योंकि सीधा यहाँ से गाड़ी नहीं मिल रही है। अभी हम निकल रहे हैं, मैंने एक बैग ले लिए, सुनील अपनी खुद की बैग लेके जा रहे हैं, पायल ने भी पकड़ ली एक बैग, और मम्मी की तो रिचुअल शुरू हो गई, स्कार्फ पहनो चलो निकलो। मम्मी की सिर्फ आँखें दिख रहे हैं। तो गाइज इनकी कैब तो आ चुकी है और मम्मी और सुनील अभी निकल रहे हैं। कैसा लग रहा है अभी हम दोनों ही इधर? क्लास से आते टाइम लेके आऊंगा दूध। तो गाइज फाइनली हमारी मम्मी और सुनील तो निकल चुके हैं घर, तो अभी हम दोनों ही इधर कुछ दिनों के लिए, फिर हम भी घर चले जाएंगे और फिर रॉकी भाई को भी लेंगे, सब घर वालों के साथ सेलिब्रेट करेंगे, बहुत सारी चीजें होने वाली, नई नई देखना आप, एक्साइटिंग रहने वाले कुछ ब्लॉग्स। हे गाइस गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। आशा करता हूं आप सब ठीक होंगे। फिलहाल मैं और पायल इधर बैठ के नाश्ता कर रहे हैं। नाश्ते में बने हैं गर्मा गर्म आलू के पराठे और चटनी है, और फिलहाल हम दोनों ही है नाश्ता करने के लिए, क्योंकि मम्मी और सुनील जा चुके हैं। सुनील और मम्मी अब घर के लिए निकल चुके होंगे और बीच रास्ते ही होंगे अभी। तो मम्मी काफ़ी बोर हो रही थी यहाँ पे, और हमारा जैसे आने के टाइम ही डिसाइड हुआ था कि मम्मी इस सैटरडे तक रुकने वाली है, फिर वो जाएगी और फिर मतलब जो भी चीज़ें घर पे भी बहुत सारे काम है, अभी नवरात्रि आने वाली है, तो वो सब चीज़ों के लिए मम्मी को उधर जाना था। तो अभी कुछ दिनों के लिए हम मैं और पायल इधर ही है, देखते घर कब जाना होगा। तो फिर घर हम भी जल्दी घर जाने वाले, वैसे बता दो है ना। चलो फटाक से खाना खा लेते, एक नंबर टेस्टी बना है। गाइस खाना खाने का टाइम हो चुका है और आज हम दोनों ही घर पे, जैसे मैंने आपको सुबह ही बता दिया, और आज बना है बेसन और बाजरे की रोटी जो कि हमारा फेवरेट है। आए हो दूध खरीदने के लिए भैया? एक दूध और एक पार्ले जी। हाँ चाय टाइम दोस्तों, और आगे का व्यू देख लो, बारिश बिल्कुल ख़त्म हो गई है और मस्त धूप निकली है अभी दो दिन से, तो अच्छा लग रहा है। अभी जा रहा हूँ ड्राइविंग क्लास के लिए, इसकी आउटिंग थी तो कल नहीं जा पाया, और आज सुबह नहीं रहता उनका क्लास, तो दोपहर को जाना पड़ रहा है, मतलब शाम को जाना पड़ रहा है। बहुत दिनों बाद ऐसी धूप निकली है, ज़माना हो गया मुझे धूप देख के। तो गाइस फाइनली अभी कार में हूँ, हमारे टीचर की वेट कर रहा हूँ, वो कब आएंगे पता नहीं, शायद वो नाश्ता करने के लिए गए अंदर, वो आ जाएंगे वैसे मैं निकलूँगा यहाँ से। और मैंने रिक्वेस्ट किया कि दो सेशन रखो आज, क्योंकि मुझे घर भी जाना है नेक्स्ट मंथ, तो मेरा ड्राइविंग रह जाएगा फिर, तो मैंने सोचा जल्दी जल्दी निपटा लेते हैं। वैसे मुझे ठीक ठाक आने लगे ऐसा लग रहा है, क्योंकि मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस लग रहा है कि मैं अभी चला लूँगा, देखते हैं। तो गाइज अभी रुके हैं सीएनजी भरवाने के लिए। अरे इसका तो आगे रहता है, उन्होंने बोला भरते टाइम नीचे उतरना होता है भाई, तो नीचे उतर गया मैं। चलो भाई सीएनजी भरवा लिया, अभी निकलना है, लग गया गाइज। तो गाइज अपने 8 days हो गए, अभी और 2 days का आज हो गया ट्रेनिंग, मतलब 10 days हो जाएगा। तो गाइज शाम के लिए मेथी की सब्जी ले ली है आज। तो गाइज अभी जा रहे हैं हम बाहर, तो पायल को कुछ कपड़े खरीदने थे और कुछ हमने सोचा कुछ बाहर ही खा लेंगे, क्योंकि दोपहर को थोड़ा हेवी खाना हो गया था, 3-4 बजे खाना खाया था ना हमने।
सुनील और मम्मी भी नहीं है तो बोर हो रहा है थोड़ा सा, तो चलो घूम के आते हैं ऐसा सोच लिया हमने। तो गाइस अभी हम यहाँ पे आ गए इस शॉप में, देखते कुछ मिलता है नहीं मिलता है। कौन सी साइज जी पर नवीन आ चलते देखो ये कैसा, ठीक है क्या आ रहा है क्या कुछ पसंद पा रहे ठीक है यहाँ से तो कुछ पसंद नहीं है बेचारे बाहर। गाइज अभी यहाँ पे खाना खाने के लिए रुके हैं और थोड़ा चटपटा खाना खाने का मन हो रहा था पायल काज, तो हमने पिज्ज़ा ऑर्डर किया, उसको तो नॉनवेज खाना था पर हम इधर घूम रहे थे हमें तो कोई अच्छा दुकान ही नहीं मिला, तो अभी हम पिज्ज़ा खाने के लिए आ गए हैं और पाव भाजी ऑर्डर किया। राइट गाइज हमारी पाव भाजी हाजिर है तो खाएंगे, मैं तो बहुत दिनों बाद खा रहा हूँ भाई। ऐसे टेस्ट सही है ना, इसे एक इटालियन पिज्ज़ा मंगवाया था जस्ट ट्राई करने के लिए, कितना है कैसा है पिज्ज़ा। तो गाइस फिलहाल अभी हम दोनों ही घर पे और अभी रात के 9 बज रहे हैं, मैं ब्लॉग एडिट कर रहा हूँ और आज के ब्लॉग में आपने देखा कि हम कहाँ पे गए थे, क्या क्या चीज़ें हुई हमारे साथ। तो मिलते हैं अगली ब्लॉग में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। थैंक यू सो मच वॉचिंग माई ब्लॉग्स, बाय बाय।